नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कशिफ एयर रिपेयर में। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो आईफोन यूजर्स हैं और उनकी हमेशा एक शिकायत रहती है कि उनकी आईफोन की बैटरी हमेशा जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपकी इस परेशानी का हल और हम आपको बताएंगे कि आईफोन 6s की बैटरी को आप कैसे घर बैठे रिप्लेस कर सकते हैं अपने आप। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज है हमारे साथ कैशिफाई टीम के सीनियर टेक्नीशियन नितेश, जो हमें बताएंगे कि आईफोन 6s की बैटरी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सो आइए उनका स्वागत करते हैं। हाय नितेश। हेलो सर। सो नितेश, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आईफोन 6s की बैटरी जल्दी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है? सर, आईफोन 6s की बैटरी जल्दी खत्म होने का रीज़न ये है, एक तो इसकी जो बैटरी है, एक तो 1810 mAh की बैटरी है। ओके, 1810। ओके, और आज के टाइम में अगर देखोगे तो आईफोनों में कुछ बैटरी आ रही है 3500 mAh की, 4000 mAh की, तो एक रीज़न ये भी है। अगला पॉइंट ये है बैटरी ड्रेन होने का, कि लाइक जैसे आज हम मोबाइल में ज़्यादा हैवी यूजेस डाटा, जैसे गेम्स खेलते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, या वाईफाई कनेक्ट है, नेट हमारा 24 घंटे ऑन रहता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, जिसको हेल्थ बोलते हैं, वो हेल्थ उसकी खराब होने लग जाती है बैटरी की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने नितेश ने बताया कि आईफोन की बैटरी 1810 mAh की होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हैवी यूसेज की वजह से हमारी बैटरी की हेल्थ जल्दी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे आईफोन 6s की बैटरी को चेंज घर बैठे अपने आप। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें आईफोन 6s की बैटरी को चेंज करने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले ये फर्स्ट टूल हमारा बॉटम स्क्रू ड्राइवर है। ओके, तो इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या होता है, जो आईफोन में जो बॉटम स्क्रू लगे होते हैं, ओके, जैसे ये यहाँ पे लगे हुए हैं, दो बॉटम स्क्रू ड्राइवर लगे हुए स्क्रू। ओके, तो इसको हम इनसे ओपन करेंगे। हाँ, बॉटम स्क्रू से। ओके, ओपन करना। तो सबसे पहला हमारा टूल है बॉटम स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। सेकंड टूल हमारा T4 स्क्रू ड्राइवर। ओके, इसका यूज क्या है? तो इसका यूज जो हमारे मदरबोर्ड में जो स्क्रू लगे होते हैं, ओके, उनको ओपन करने के लिए। ओके, ठीक है। सो गाइज, हमारा दूसरा टूल है T4 स्क्रू ड्राइवर, जिससे हम मदरबोर्ड के स्क्रूज को ओपन करेंगे। थर्ड टूल है हमारा ट्यूजर। ओके, ठीक है। इस ट्यूजर का यूज एडिशनल टेप हो गई निकालने के लिए, या क्या क्या यूज होगा अभी पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो गाइज, ये है हमारा ट्यूजर, जिससे हम एडहेसिव टेप को रिमूव करते हैं और बाकी यूज भी देख लेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारा फोर्थ टूल है, जिसको हम ओपनिंग टूल बोलते हैं। ओके, जिसको हम स्केल भी बोलते हैं। ओके, इससे इसका यूज, ठीक है। तो इसका स्केल यूज ये होता है कि जैसे हमें डिस्प्ले को ओपन करना पड़ेगा। ओके, साइड से। ओके, ओके, ओके। तो दोस्तों, हमारा फोर्थ टूल है स्केल, जिससे हम फोन के साइड्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, हमें इन चार टूल्स की जरूरत होती है आईफोन 6s की बैटरी को रिप्लेस करने के लिए, जो कि हमें ऑनलाइन मिल जाएंगे इजिली कहीं पे भी, और हमें साथ में आईफोन 6s की बैटरी भी मिल जाएगी ऑनलाइन, आप जाके ले सकते हैं। तो हम बैटरी को निकाल लेते हैं, हमें इसके साथ एडहेसिव टेप मिली है एंड एक न्यू बैटरी मिली है। तो आइए इस बैटरी को हम इसमें डालेंगे। तो ये बॉटम स्क्रू ड्राइवर से हमें बॉटम स्क्रू को ओपन करना है। तो दोस्तों, ये है हमारे दो स्क्रूज और इन पे हम अभी टेप लगा देते हैं, ताकि आगे चल के हमें इन्हें ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो निर्देश आगे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे ट्यूजर था, जहाँ से हमने दो बॉटम स्क्रू निकाले थे, इसको यहाँ से हम के इसको ऊपर की साइड में पुश करना है, ठीक है। ओके, तो ये हमारी डिस्प्ले आप देख रहे होगे हल्की सी ऊपर आ गई है। उसके बाद जो हमारा ये ओपनिंग टूल था स्केल, ठीक है, उसको आराम से यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, ठीक है। फिर हमें इसको करके इसको आराम आराम से डिस्प्ले को ओपन करना है। ओके, तो दोस्तों, पहले हमें ट्यूजर का यूज़ करना है, जिससे जहाँ से हमने स्क्रूज को निकाला था वहाँ पे हमें ट्यूजर लगाना है। देन उसके बाद हमारी डिस्प्ले थोड़ी सी ऊपर आएगी, उसके बाद हमें स्केल का यूज़ करना है और उसे ईजली और आराम से निकालना है, जैसा कि नितेश निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन हमारा, यहाँ पे हमारा फ़ोन ओपन हो गया, ओपन हो चुका है। ओके, कुछ फ़ोन साइड से ओपन होते हैं, तो ये फ़ोन हमारा बॉटम टू टॉप जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये हमारे फ़ोन ओपन हो चुका है। ओके, इस फ़ोन में ये बैटरी लगी हुई है। उसके बाद हमारी जो ये बैटरी लग रही है, इस बैटरी की शील्ड है, इस शील्ड को ओपन करना है,
T4 स्क्रू ड्राइवर से। सेकेंड ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्यूज़र से ये शील हमारी ओपन हो गई है। ये बैटरी का कनेक्टर है, हमें इस बैटरी के कनेक्टर को ट्यूज़र से रिमूव कर देना इस तरीके से। बैटरी की एडेसिन टेप निकालने से पहले जो ये हमारे डिस्प्ले है, ठीक है, इस डिस्प्ले की शील को निकाल के इस डिस्प्ले को भी रिमूव करना है हमें। ओके ठीक है, ठीक है। ये हमारे चार स्क्रू लगे होते हैं, हमें इस चारों स्क्रू को ओपन करना है T4 से। सो गाइस, हमने जो दो स्क्रूज पहले निकाले थे, पहले हम उन पे भी टेप लगा लेते हैं। आप भी इन पे टेप लगा लें ताकि आपको परेशानी ना हो, कहीं ये मिसप्लेस ना हो जाए इसके लिए। और ये हमारे तीन स्क्रूज जो हमने उसके बाद निकाले थे, तीन ही चार स्क्रूज, इन पे भी हम टेप लगा लेते हैं। और नितेश, हमने डिस्प्ले को अलग क्यों किया? सर, ये आईफोन की जो बैटरी जो पेस्टिंग की गई थी होती है, ये एडिशनल टेप से की गई होती है। ओके, ये टेप होती है हमारी, तो इस टेप को हमें रिमूव करने के लिए बेटर ये होता है कि हम उस डिस्प्ले को निकाल लें। अच्छा, अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? हमारी ये जो डिस्प्ले है ये ब्रेक हो सकती है। ओके, सो गाइस, बैटरी चेंज करने से पहले आप डिस्प्ले अलग कर लें ताकि डिस्प्ले ब्रेक ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये ट्यूजर है हमारी, इस ट्यूजर से जो एडिशनल टेप लगी हुई है हमारी, ओके, इसे रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। ओके, तो दोस्तों, हमने यहाँ पे अपनी बैटरी को निकाल लिया है और अब हम लगाएंगे न्यू बैटरी, जो कि हमारी ये है। ये हमारी न्यू बैटरी है, ठीक है, एंड ये है हमारी एडहेसिव टेप। उसके बाद अभी जो हमने जो दो टेप एडहेसिव टेप निकाली थी, यही सेम हमें बैटरी के साथ मिलती है, ठीक है। और इसी बैटरी को हमें जैसे निकाला था इस तरीके से इसकी पेस्टिंग करनी है। ओके, तो दोस्तों, आपको बड़े ही ध्यान से एडहेसिव टेप को लगाना है। उसके बाद हमें ये एडिशन टेप के ऊपर जो ये टेप लगी होती है, ठीक है, ये हमारी एडिशन टेप लग गई, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बैटरी को निकाला था, सेम वैसे ही इसको लगा देना है। ये हमने बैटरी लगा दी, ठीक है। ओके, उसके बाद जो ये बैटरी कनेक्टर होता है हमारा, इसी बैटरी कनेक्टर को लगा देना है। सो गाइस, इसके बाद हमें डिस्प्ले को लगाना है। ये पहले हमें शील्ड लगानी है। ओके, तो गाइस, डिस्प्ले लगाने के बाद हमें शील्ड लगानी है, ठीक है। और जो इसके ऊपर हमारे जो चार स्क्रू थे, ओके, जो हमने इस टेप में लगा दिए थे। नितेश, यहाँ पे तीन स्क्रू छोटे हैं और एक स्क्रू बड़ा है, ऐसा क्यों? सर, इसमें क्या है, जो बड़ा स्क्रू जो हमारा दिया गया है, ये जो आईफोन की जो कंप्लीट बॉडी होती है, ठीक है, उसका मदरबोर्ड होता है, उसके बेस के हिसाब से बड़ा स्क्रू लगाया गया है यहाँ पे। ओके, ये बड़ा स्क्रू क्या होता है ना, मदरबोर्ड से लेके और जो आईफोन की जो कंप्लीट बॉडी होती है उसमें अटैच होता है। ओके, और ये माइनर जो तीन स्क्रू है हमारे, ये तीन स्क्रू हमारे मदरबोर्ड में अटैच होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस बड़े स्क्रू को ही लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बड़ा स्क्रू यहाँ से हमने निकाला था, हमें इसको यहीं लगाना है। उसके बाद हमने एक शील्ड बैटरी की हटाई थी, तो हमें उसको भी लगाना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये शील्ड हटाई थी इस बैटरी कनेक्टर के ऊपर से, ये शील्ड को हमें लगाना है। ओके, ये शील्ड हो गई। और शील्ड के जो हमने हमारे जो स्क्रू थे, वो स्क्रू हमने टेप से लगा दिए थे स्टार्टिंग में यहाँ पे, वो स्क्रू हमें लगाने हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद ये हमारी बैटरी यहाँ पे लग चुकी है, शील्ड हमने लगा दी है यहाँ पे। उसके बाद हमने जैसे इसको ओपन किया था फ़ोन को, हमें वैसे ही इसको पैक कर देना है, ठीक है। सेम वही है जैसे हमने ओपन किया था, वैसे ही इसको पैक कर देना है। दो बॉटम स्क्रू निकाले थे, उस बॉटम स्क्रू को हमें अब लगाना है। लगाना, ओके। सो गाइस, जो हमने सबसे पहले बॉटम स्क्रू निकाले थे, अब उन्हें वापस से फिक्स कर देना। सो गाइज, यहाँ पे हमने आईफोन 6s की बैटरी को चेंज कर लिया है और अब हम इसे ऑन करके देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है।
तो अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। सो गाइज यहाँ पे हमारा फोन ऑन हो गया है और अब हम सेटिंग्स में जाके इसकी हेल्थ चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमें बैटरी की हेल्थ दिखा रहा है 100%, तो हमारी बैटरी बिल्कुल सही काम कर रही है। सो थैंक यू सो मच नितेश, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि वो कैसे घर बैठे आईफोन 6s की बैटरी को चेंज कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।